नमस्कार दोस्तों, सीजी सरकारी जॉब यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में भर्ती संबंधित विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। तो इन पदों के लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आप लोगों को प्रतिमा कितना वेतन दिया जाएगा, दोस्तों मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से वीडियो में इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला विज्ञापन जारी काले प्रचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसके अंतर्गत 200 जिले के 3 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए। और फाइनली दोस्तों, आप लोगों से कोई एग्जाम या परीक्षा नहीं लिया जाएगा, मेरिट सूची के आधार पर सीधा भर्ती किया जाएगा। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वे 25 नवंबर 2022 शाम 5 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर या फिर पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कुरुद जिला धमतरी में जमा कर सकते हैं। और दोस्तों, आप लोग यहां पर पद का नाम देख सकते हो, कौन कौन सा पद पर भर्ती किया जाएगा और कौन कौन सा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कुरुद में मैकेनिक डीजल और ड्राफ्टमैन सिविल के एक एक पद पर भर्ती किया जाएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था करेली बड़ी में वर्कशॉप कैलकुलेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग के एक पद पर भर्ती किया जाएगा। इसी प्रकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भखारा में विद्युत कार के एक पद पर भर्ती किया जाना है। अब दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा गया है? तो विद्युत कार के लिए शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या फिर पुरानी पद्धति से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, या फिर अगर आप लोगों के पास इसके समक्ष कोई योग्यता है तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। मैकेनिक डीजल के लिए शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए या फिर पुरानी पद्धति से 11वीं या अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और संबंधित विषय में योग्यता रखता हो। सेम दोस्तों, सभी पदों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास मांगा गया है और संबंधित विषय में योग्यता होना चाहिए। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं आप लोगों को प्रतिमा वेतन कितना दिया जाएगा। गेस्ट लेक्चर को प्रशिक्षण कार्य के लिए प्रति घंटा 125 रुपये की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घंटे के मानदेय का प्रावधान है और आप लोगों को प्रति माह 13,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। आवेदकों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अगर आप लोग इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, तो आप लोगों को छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए जब भी आप लोग आवेदन करें, अप्लाई करें। दूसरा विज्ञापन जारी काले कलेक्टर जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसके अंतर्गत 200 साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बीजापुर में सुबह 10 बजे से। और दोस्तों, आप लोग यहाँ पर पद का नाम देख सकते हो, कौन कौन सा पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। भाषा हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी के एक पद पर भर्ती किया जाएगा। इसके लिए साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा 11 नवंबर 2022 को। सामान्य अध्ययन के 2 पद पर भर्ती किया जाएगा। साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा 12 नवंबर 2022 को। इसी प्रकार विज्ञान, गणित एवं तार्किक योग्यता के एक पद पर भर्ती किया जाएगा। साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा 13 नवंबर 2022 को। अब दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा गया है? तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए प्रथम श्रेणी से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, इसी के साथ स्नातक ग्रेजुएट की उपाधि होना चाहिए। और फाइनली दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोगों से कोई एग्जाम या परीक्षा नहीं लिया जाएगा, आप लोग यहाँ पर डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंक और साक्षात्कार के आधार पर आप लोगों का सीधा भर्ती किया जाएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आप लोगों को प्रतिमाह वेतन कितना दिया जाएगा। तो इन पदों के लिए जो वेतन दिया जाएगा प्रतिमा 80,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोग यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक देख सकते हो, www.bijapur.gov.in पर जाकर आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन विज्ञापन डाउनलोड करके इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और इसी विज्ञापन के नीचे जो आवेदन पत्र का प्रारूप है वो संलग्न है, अटैच है, आप लोग यहाँ देख सकते हो। इसे अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप लोग आवेदन करें, अप्लाई करें। तीसरा विज्ञापन जारी काले जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसके अंतर्गत 200 स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। तो फाइनली पात्र आवेदकों की मेरिट सूची जारी कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पर अभ्यर्थियों का नाम देख सकते हो, जितने भी अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, अप्लाई किया है,
उनका उसी के बगल में पिता पति का नाम दिया गया और अन्य जानकारी यहाँ पर दिया गया है। और अंतिम में दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पात्र अभ्यर्थी का यहाँ पर डिटेल से जानकारी दिया गया है कि कौन कौन अभ्यर्थी पात्र हैं और जिनका अंतिम चयन सूची में नाम है, आप लोग यहाँ पर डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। चौथा विज्ञापन जारी है काला कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालन समग्र शिक्षा जिला जसपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसके अंतर्गत दोस्तों स्वास्थ्य विभाग में स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, आया अटेंडेंट के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। तो फाइनली दोस्तों पात्र अपात्र सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने इन पदों के लिए अप्लाई किया, आवेदन किया है, तो पात्र अपात्र सूची में आप लोगों का नाम है या नहीं आप लोग डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और अगर आप लोगों को दावा आपत्ति करना है तो आप लोग काले समग्र शिक्षा मिशन जसपुर में दिनांक 10 नवंबर 2022 तक आप लोग दावा आपत्ति कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप लोगों को ये देखना है कि पात्र पात्र सूची में आप लोगों का नाम है या नहीं, तो आप लोग यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक देख सकते हो। www.jaspur.nic में जाकर आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन विज्ञापन डाउनलोड करके इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और पात्र पात्र सूची में आप लोगों का नाम है या नहीं ये भी आप लोग डिटेल से देख सकते हो। पांचवा विज्ञापन जारी काला कलेक्टर अध्यक्ष उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति जिला बलौद छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसके अंतर्गत दोस्तों शिक्षक विभाग में साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। तो फाइनली दोस्तों अभ्यर्थी की चयन सूची जारी कर दिया गया है। दोस्तों आप लोग यहां पर विद्यालय का नाम पढ़ सकते हो, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय आमापारा बलौद डोंडी नया बाजार राजहरा डोंडी लोहारा देवरी के अंतर्गत साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। तो फाइनली दोस्तों सहायक शिक्षक के लिए चयन सूची जारी कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पर विद्यालय का नाम देख सकते हो, यहाँ पर पद का नाम दिया गया है और यहाँ पर चयनित अभ्यर्थियों का नाम देख सकते हो और अन्य यहाँ पर जानकारी दिए गए हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने सहायक शिक्षक के लिए आवेदन किया था, अप्लाई किया था, तो इस सूची में आप लोगों का नाम है या नहीं आप लोग यहाँ पर डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इन विज्ञापनों से संबंधित और अधिक जानकारी चाहिए तो इन सभी विज्ञापनों का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां पर जाके डाउनलोड करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और इन विज्ञापनों से संबंधित या फिर अन्य भर्तियों संबंधित दोस्तों अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।